हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर फंडा में। मैं खुशबू, और आज की इस वीडियो में जैसा आप सभी को पता है, सीआईटी सेंटेंस एग्जाम 2024 के फर्स्ट फेज की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। कॉलेज अलॉट कर दिए गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के जिनके नंबर बहुत अच्छे थे उनको फर्स्ट चॉइस का उनकी पसंद का कॉलेज मिल गया है। कुछ स्टूडेंट्स को उनकी पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उनको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसको डीवी कहते हैं, और प्रोविजनल एडमिशन के लिए अब उन्हें किस कॉलेज में जाना चाहिए। क्या जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं पर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या हम किसी भी कॉलेज में करवा सकते हैं। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को उनकी पसंद का कॉलेज यानी फर्स्ट चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है वो क्या करें, ट्रांसफ़र राउंड क्या होता है, फिर वो सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन पर हम एक एक करके बात करेंगे और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से कर लीजिए, जिससे सीआईटी से जुड़ी हर एक अपडेट आपको सही अपडेट समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम निमी की ऑफिशियल वेबसाइट nimionlineadmission.in पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट कर दिए गए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाएंगे। तो जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया है वो डीवी के लिए, प्रोविजनल एडमिशन के लिए अपने नज़दीकी किसी भी एनएसटीआई कॉलेज में जाकर प्रोविजनल एडमिशन करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको वहीं पर डीवी के लिए जाना है, ठीक है। और ये एनएसटीआई, आप NSTIW में भी जितने भी मेल कैंडिडेट हैं वो NSTI हो या फिर NSTIW हो, आप वहाँ पर जाकर एडमिशन करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ITOT कॉलेज वाले, जिनको ITOT कॉलेज अलॉट हुआ है, वो भी अपनी DV के लिए NSTI कॉलेज में ही जाएंगे, ITOT में नहीं जाना है, ठीक है। अब प्रोविजनल एडमिशन क्या फाइनल एडमिशन होता है? क्या प्रोविजनल एडमिशन को ही फाइनल एडमिशन कहते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। प्रोविजनल एडमिशन मतलब जो आपके वहाँ पर क्रॉस चेक किए जाएंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, और फाइनल एडमिशन आपका जो है वो आपका उसका अलग से डेट आएगा, और फाइनल एडमिशन के लिए जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ रहेगा उसी कॉलेज में जाकर आपको फाइनल एडमिशन लेना होगा। अभी फ़िलहाल जो 13 तारीख से 17 तारीख तक चलेगा वो आपका DV के लिए है, प्रोविजनल एडमिशन के लिए है, ठीक है। अब किस किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है? तो 13 तारीख यानी आज का दिन जो ख़त्म हो चुका है, आज हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर 14 तारीख को, 15 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि इस दिन इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन कॉलेजेस बंद रहेंगे। इधर 16 तारीख को रहेगा, 16 अगस्त को, फिर 17 अगस्त को। तो ये 4 दिन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होने हैं। अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, जो NSTIW नोएडा है, तो यहाँ पर जो है 14 तारीख यानी कल के दिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, और ये सिर्फ जो है NSTIW नोएडा के लिए है। जो नोएडा के आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो कल के दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर नहीं जाएंगे। आप NSTI किसी भी नज़दीकी NSTI, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में जितने भी स्टूडेंट्स प्रयागराज के आसपास वाले हैं वो अपना DV के लिए NSTIW इलाहाबाद में आ सकते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स कानपुर, NSTI कानपुर के आसपास के एरिया के हैं वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन NSTI कानपुर में करवा सकते हैं। इसी तरह अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने नज़दीकी NSTI में जाकर DV करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर वो DV करवा लेते हैं, DV का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर वो DV करवा लेते हैं तो वो सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा? जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में, ठीक है, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वो स्टूडेंट जो जिनको पसंद का कॉलेज नहीं मिला है और वो जो कॉलेज अलॉट हुआ उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो वो सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने DV करवा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया,
तो आप जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और जिनको कॉलेज उनकी पसंद का नहीं मिला है तो वो उनके लिए एक और ऑप्शन है ट्रांसफ़र राउंड का, ट्रांसफ़र का, कॉलेज ट्रांसफ़र का, ठीक है। अब कॉलेज ट्रांसफ़र क्या होता है, तो बहुत सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको उनके स्टेट में जो कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन ना मिलकर, वो कॉलेज अलॉट ना होकर, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में उनको वहाँ पर उनकी सीट नहीं दिख रही थी, तो उनको दूसरे स्टेट के NSTI कॉलेज की सीट मिल गई है। अब वो स्टूडेंट दूसरे स्टेट में नहीं जाना चाहेंगे, जैसे कानपुर में अगर है कोई स्टूडेंट्स तो उनको कानपुर का NSTI ना मिलकर चेन्नई का NSTI मिल गया है, तो अब कानपुर का स्टूडेंट चेन्नई जाना प्रेफर नहीं करेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत दूर हो जाएगा डिस्टेंस से भी, और फिर वहाँ पर उसका एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, खर्चे वहाँ ज़्यादा लग जाएंगे, तो वो चाहेगा कि हमारा NSTI कानपुर में ही हो जाए या फिर हमारे आसपास के एरिया का जो NSTI है वहीं पर एडमिशन हो जाए। और चेन्नई में जो स्टूडेंट्स है वो चाहता है कि उसको NSTI चेन्नई मिल जाए, लेकिन उसको मिल गया है NSTI कानपुर, तो वो चाहेगा कि हम अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं चेन्नई में, और कानपुर वाला सोचेगा हम अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं कानपुर NSTI में। तो दोनों लोग ये सोच रहे हैं, तो ऐसे में ट्रांसफ़र राउंड इसीलिए होता है कि जिन जिन स्टूडेंट्स को अदर स्टेट में मिल गया है वो अपने स्टेट में वापस आ जाए। जैसे NSTI कानपुर का जो स्टूडेंट है उसको NSTI चेन्नई में सीट मिल गई है, और NSTI चेन्नई वाले स्टूडेंट्स को NSTI कानपुर में सीट मिल गई है। तो दोनों लोग जब ट्रांसफ़र करवाना चाहेंगे तो वो अपने वाली सीट पर चले जाएंगे, यानी कि वहाँ वाली सीट भी वैकेंट हो रही है और कानपुर वाली सीट भी वैकेंट हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो NSTI चेन्नई वाला स्टूडेंट्स है, अगर उसका ट्रेड का वहाँ पर है कॉलेज में सीट, तो उसको वापस चेन्नई में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और जो कानपुर वाला स्टूडेंट्स है उसको कानपुर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ट्रांसफ़र राउंड में बेसिकली यही होता है। अब यहाँ पर जो ट्रांसफ़र राउंड में भी वही पार्टिसिपेट कर पाएगा जो DV करवाया रहेगा, जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया रहेगा, वही यहाँ पर ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, आपको सेकेंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करनी है और ट्रांसफ़र राउंड में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, आप अगर DV करवा लिए हैं तो ही आप ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में वही स्टूडेंट्स करवाएंगे जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए होंगे। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा क्या मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और है कि NSTI जो W है नोएडा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप 14 तारीख को मत जाइएगा। यहाँ पर स्पेशली इन्होंने जो वेबसाइट है उस पर डाल रखा है कि NSTI W नोएडा 14 तारीख को नहीं रहेगा, और बाकी आपको यहाँ पर अब 16 तारीख को जाना है और 17 तारीख को, जितने भी NSTI नोएडा के आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 16 तारीख और 17 तारीख को जाएंगे। ये दो दिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें यहाँ पर पता चल गई होंगी। और जो ट्रांसफ़र राउंड होना है वो आपको यहाँ पर 18 से 19, ये दो दिन आपके ट्रांसफ़र राउंड के लिए लिंक ओपन होगा, फिर 20 तारीख को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, और 21 तारीख से आपकी सेकेंड फेज की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जिन भी स्टूडेंट्स को उनके चॉइस का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है लेकिन कॉलेज उनको मिल गया है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आप कॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आपका कॉलेज तभी ट्रांसफ़र किया जाएगा जब जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस कॉलेज में वैकेंट सीट होगी, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया है, भले ही आपको फोर्थ नंबर के जो चॉइस आपने डाली थी वो अलॉट हुआ है, अब वापस से सेकेंड काउंसलिंग में आपको वही कॉलेज मिल जाए, ठीक है। आपके पसंद का कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आपको सेकेंड फेज में भी आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाए। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एडमिशन नहीं लेना होता है तो वो अपनी सीट छोड़ देते हैं, तो कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर मिल जाता है। अभी मैं एक स्टूडेंट्स का दिखाती हूँ,
उनको 43 मार्क्स थे इलेक्ट्रीशियन में, 43 मार्क्स हैं, और उनको उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस ITOT लखनऊ डाला था और उनको वो फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज भी मिल गया है। तो जिनके कम नंबर भी हैं वो भी होप ना छोड़ें, आप फर्स्ट फेज की काउंसलिंग का फ़ीस आई होप जमा किए ही होंगे 1000, तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा, आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।